सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर दो एम्पलीफायर का कंपैरिजन वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हमारा पहला एम्पलीफायर है डायनाटेक का V5000 और दूसरा एम्पलीफायर है हमारे पास NXRTU का MT1201। दोनों एम्पलीफायर का कंपेयर करेंगे, मतलब कि दोनों में से कौन सा हमें लेना चाहिए, दोनों का प्राइस क्या होगा, डायनाटेक V5000 का प्राइस कितना होगा, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि NXRTU का MT1201 का प्राइस कितना होगा, साथ ही साथ इसका पावर स्पेसिफिकेशन डिटेल्स हम देखेंगे। तो दोनों में से हम बेस्ट कौन सा रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर डायनाटेक का V5000, NXRTU का MT1201। तो चलिए फिर इसका हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन डिटेल्स और बात करेंगे कि दोनों में से पावर हमें किस में ज़्यादा मिल जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का स्विच बटन मिलता है, चैनल वन चैनल टू के लिए गेन ऑफ मिल जाते हैं, यहाँ पर लिमिटर इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ लाइट इंडिकेशन मिल जाते हैं, फ्रंट फेस कुछ इस टाइप से मिल जाता है हमें, और यहाँ पर डायनाटेक का V5000 इसमें मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। यहाँ पर NXRTU का MT1201 है जो कि यहाँ पर NXRTU का ब्रांडिंग है। पावर ऑन का स्विच बटन मिल जाता है, चैनल वन चैनल टू के लिए गेन ऑफ भी मिल जाता है। MT1201 इसका मॉडल नंबर है। अगर हम पावर के बारे में बात करेंगे तो पावर अगर हम बात करें तो जो हमारा MT1201 है ये 5000 वाट का एम्पलीफायर है, टोटल ये 5000 वाट का एम्पलीफायर है। और अगर हम इस एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे तो ये 4200 वाट का एम्पलीफायर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे भाई लोग ये सोचते हैं कि आपका डायनाटेक का V5000 वाट का एम्पलीफायर है, लेकिन ये एक्चुअल में 4200 वाट का एम्पलीफायर है, मतलब 2100 ओम्स के ऊपर पर चैनल आउटपुट हमें मिल जाता है, और एमटी में हमें 2500 वाट का पर चैनल आउटपुट मिल जाता है, तो वो 5000 वाट का एम्पलीफायर हो जाता है दोनों चैनल मिला करके। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स देखते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो ये एम्पलीफायर हमें डायनाटेक का V5000 जो है वो 1000 वाट का आउटपुट, जो कि ये 1000 वाट का पर चैनल आउटपुट हमें निकाल के दे देता है। और अगर हम MT1201 के बारे में बात करेंगे तो ये 8 ओम्स में अगर हम बात करेंगे तो ये 1350 वाट का पर चैनल आउटपुट हमें दे देता है। तो एम्पलीफायर में आउटपुट आप देखेंगे तो 350 वाट का पर चैनल आउटपुट के हिसाब से जो है हमें NXRTU MT1201 ज़्यादा आउटपुट हमें दे रहा है। अगर हम बात करते हैं 4 ओम्स के ऊपर तो 4 ओम्स में हम बात करेंगे तो ये एम्पलीफायर हमें 1600 वाट का आउटपुट देता है, जो कि पर चैनल आउटपुट है हमें, मतलब कि चैनल 1 में 1600 वाट और चैनल 2 में 1600 वाट 4 ओम्स के ऊपर। और यही चीज़ अगर हम बात करते हैं 4 ओम्स के ऊपर इस वाले एम्पलीफायर में तो ये हमें 1850 वाट का आउटपुट दे देता है। तो हमें NXRTU MT1201 1850 वाट का पर चैनल आउटपुट दे देता है। आउटपुट लगभग 250 वाट के आसपास ज़्यादा हमें NXRTU MT1201 में मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं 2 ओम्स के ऊपर तो 2 ओम्स में ये एम्पलीफायर हमें मिलता है यहाँ पर 2100 वाट, मतलब कि 2100 वाट का आउटपुट मिलता है, और ये MT में हमें 2500 का आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पर 400 वाट का आउटपुट हमें NXRTU MT1201 में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पावरफुल हमें NXRTU MT1201 देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं डैम्पिंग फैक्टर, तो डैम्पिंग फैक्टर अगर हम बात करेंगे तो डैम्पिंग हमें इस एम्पलीफायर में 880 देखने को मिलता है, और इस एम्पलीफायर में हमें 800 का डैम्पिंग मिल जाता है। तो 80 का डैम्पिंग हमें ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमें MT1201 में पावर ज़्यादा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है काफ़ी अच्छा बेस और काफ़ी अच्छा पंच जो है NXRTU में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं वेट के ऊपर तो वेट दोनों एम्पलीफायर का अलग अग है। इस वाले एम्पलीफायर का 29 किलो 200 ग्राम का वेट है, और हमें MT1201 का जो एम्पलीफायर है ये हमें 41 kg का ये एम्पलीफायर हमें देखने को मिल जाता है। तो इसका वेट जो है 41 kg हमें नेट वेट मिल जाता है। तो MT1201 में हमें वेट मतलब वजन थोड़ा ज़्यादा उठाने को पड़ेगा, और थोड़ा सा वजन है, और दोनों ही एम्पलीफायर क्लास एच का है, ये भी क्लास एच का एम्पलीफायर है और ये भी क्लास एच का एम्पलीफायर है। तो दोनों एम्पलीफायर हमें क्लास एच में देखने को मिलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपने देखा कि हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पावर आपको NXRTU MT1201 में मिलेगा, और बेस वगैरह भी आपको चलाना है तो हेवी वाटेज का बेस आप MT1201 में चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों में से लेना कौन सा चाहिए और दोनों का प्राइस कितना है। तो चलिए हम प्राइस देखते हैं।
तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे डायनाटेक का भी 5000 का प्राइस, तो इस एम्पलीफायर का अगर हम प्राइस बात करेंगे तो हमें अप्रोक्स मार्केट में 48000 के आसपास में मार्केट में देखने को मिल सकता है। प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, सेम मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं, ये आपको पता है, सभी स्टेट वाइज प्राइस अलग अलग होते हैं। और अगर हम बात करते हैं NX-RDO का MT जो है 1201, तो इस एम्पलीफायर का प्राइस लगभग 59000 रुपया है। मतलब प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हो लगभग 10 से 11000। तो 10000 आप मान के चलिए कि 10000 रुपया डिफरेंस है। MT-1201 10000 रुपया महंगा है और 10000 रुपया का कम प्राइस हमें मिल रहा है डायनाटेक का V5000। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो प्राइस के हिसाब से ये भी एम्पलीफायर अच्छा है और प्राइस के हिसाब से ये भी एम्पलीफायर अच्छा है, क्योंकि ये आपका 4200 वाट का आउटपुट दे रहा है दोनों चैनल मिला के 2 ओम्स में, और ये हमारा टोटल 5000 वाट का आउटपुट दे रहा है 2 ओम्स में, जो कि दोनों चैनल मिलाकर के हमें आउटपुट दे रहा है। प्राइस डिफरेंस देख सकते हो लगभग 10-11000 है, तो प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो पावर भी हमें ज़्यादा मिल रहा है, और प्राइस कम लग रहा है इसमें तो पावर भी हमें कम देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि प्राइस को ना देखते हुए अगर हम दोनों ही एम्पलीफायर में से अगर लेना चाहेंगे तो कौन सा लेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NX-RDO का MT-1201 लीजिए, जिसमें कि आपको NX-RDO MT-1201 आप जानते हैं जाना माना ब्रांड है, प्लस इसका मार्केट बना हुआ है, इसका रीसेल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मतलब अच्छा खासा मिल जाता है, और प्लस इसमें रफ एंड टफ एम्पलीफायर है, सक्सेस एम्पलीफायर है, और काफ़ी अच्छा लोड ले लेता है, और बेस काफ़ी अच्छा बजता है, टॉप भी चला सकते हैं, 2 ओम्स के ऊपर भी आप चला सकते हैं। तो दोनों ही एम्पलीफायर बेस्ट है, आप दोनों एम्पलीफायर में से कोई भी ले सकते हैं, और अगर आप स्पेशली बेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप NX-RDO का MT-1201 की तरफ जा सकते हैं। आपके पावर के हिसाब से अगर कम वाटेज का स्पीकर है तो आप डायनाटेक का V5000 भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे भाई का कमेंट था, तो सीधी सी बात है कि दोनों एम्पलीफायर अपने जगह पर सही है, और अगर हम बात करते हैं तो दोनों एम्पलीफायर में से मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है, आप अपने हिसाब से एम्पलीफायर ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना है, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।